गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। अभी तो हम लोग निकल गए हैं घर से, फटाफट से ऑटो करते हैं। ऑलरेडी लेट हो गए हैं, खाना बना लिए थे क्योंकि आने के बाद फिर मन नहीं करता है खाना बनाने का, तो जल्दी से ऑटो करते हैं और निकल जाते हैं। देखते हैं अगर अलाउ होगा मम्मी। और यहाँ बिल्डिंग के कैंपस में एक डॉग था तो भौंका तो मुझे डर लग गया था। अब 11:30 हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है। कैप ले लेते ना, ठीक रहता। मैं छाता भी नहीं लिया। हे गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए और ये एंटी स्कैन करवाने आ जा रहे हैं। और भी दो टेस्ट होगा, ड्यूअल मार्कर और ANC प्रोफाइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन कहा जाता है। वैसे तो सारा स्कैन अल्ट्रासाउंड सब इम्पॉर्टेंट ही है, तो उसमें से एक है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में ये करवाया जाता है। यूजुअली 11 to 14 वीक तक ये करवा लेना होता है। तो जा रहे हैं एंटी स्कैन करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम बेबी का हार्ट बीट सुनेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हे गाइस, बस हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छे से आए और रिकॉर्डिंग करने का मुझे थोड़ा मौका मिले तो आप लोगों को भी मैं दिखलाऊंगी और घर पे भी मैं शेयर कर दूंगी, तो घर वाले भी देख लेंगे। नहीं बोली है कुछ खा के आने पहले, बोली चॉकलेट जूस ये सब कुछ खा लेने, थोड़ा सा बेबी का मूवमेंट होगा फिर पता चलेगा। खाना तो लाए नहीं है ना। हे गाइस, तो यहाँ मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल के पास में, एक मेडिकल शॉप है। यहाँ पे मैं डेरी मिल्क खरीद रही हूँ क्योंकि डॉक्टर बोली थोड़ा सा मीठा कुछ खा के आने के लिए ताकि बेबी का मूवमेंट और भी ज़्यादा क्लियर हो। बेबी थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा तो ऑर्गन सब क्लियर और विजिबल होगा। तो फर्स्ट टाइम बेबी का हार्ट बीट सुने, बहुत ही अलग फीलिंग होती है सच में यार। जब भी जाए आप लोग हॉस्पिटल तो इस टाइम खासकर हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड के साथ जरूर जाए। और लकली यहाँ पे हस्बैंड को भी अंदर अलाउ करती हैं तो हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुने। और 6 to 8 वीक में जो होता है, 1.5 मंथ के करीब होता है अल्ट्रासाउंड, उसमें भी हस्बैंड को यहाँ पे अलाउ की थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दोनों को ही साथ में। यहाँ पे बेबी का हार्ट बीट सुने, बेबी को देखे, उसका पैर, उसका हाथ, उसका ऑर्गन सब बनना स्टार्ट हो जाता है। बस जेंडर रिवील नहीं करती है तो उसका पता नहीं चलता, तो काफ़ी ऑर्गन उसके बन गए थे और टच उट अभी तक सब कुछ अच्छा आया है। तो बस डॉक्टर चाह रही थी फेस से थोड़ा सा क्लियर दिखे, तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग जूस पीने के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे चॉकलेट खा के फिर से जा रहे हैं हम लोग अभी टेस्ट करवाने। तो जूस और डेरी मिल्क खा लिए हैं, मीठा भी थोड़ा खा लिए हैं, तो अभी जाते हैं देखते हैं मूवमेंट सही से हो रहा है नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा मीठा खाने के बाद फिर हम लोग गए स्कैन, एंटी स्कैन फिर से करवाने। तो यहाँ पे कम से कम 30 to 45 मिनट लग गया, तो अराउंड आधा घंटे के करीब यहाँ पे लग गया था। और फिर जूस वगैरह पीने के बाद बेबी का फेस सामने से भी हम लोगों को देखने को मिला, तो बेबी मूव किया और हम लोग फिर घर गए खुशी खुशी। और बर्स दो रिपोर्ट अभी आने बाकी है, ANC प्रोफाइल एंड ड्यूअल मार्कर। दो से तीन दिन लग जाते हैं आने में, तो उसका बस वेट करना है। अभी तक सब कुछ अच्छे से हम लोगों को देखने को मिला, बस आगे भी अच्छे से सब चीज़ हो। और यहाँ पे मैं खाना बना के गई थी और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कुछ स्पाइसी सा खाने का, बहुत हो गया सिंपल खाना, थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, तो यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड कर ली थी तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह भून ली थी और थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला, अदरक लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाल के यहाँ पे उसे भी ग्राइंड कर ली थी। यहाँ मेरा प्याज अच्छे से हो गया है तो यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़ा सा मसाला और थोड़ा से ऊपर इससे यहाँ पे डाल दिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे जीरा पाउडर। तो यहाँ पे इन सबको डाल के अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर। तो काफ़ी अलग फीलिंग थी, जब भी जाइए तो हस्बैंड के साथ जाइए और हस्बैंड को अलाउ करते हैं यहाँ पे, तो और भी खुशी हो रही थी मुझे। तो फर्स्ट टाइम बेबी को फिर से हम लोग अच्छे से क्लियर सारा ऑर्गन देखने को मिला। तो यहाँ पे इंडिया में बैन है जेंडर रिवील करना, तो और वो बतलाती भी नहीं और हम लोग पूछे भी नहीं,
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना दाल, तो 10 मिनट पहले ही पानी में सोख करके रख देती हूँ। और यहाँ कुछ खड़ा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, एक लाल मिर्च तोड़ के और एक तेज़पत्ता मैं यहाँ पे तोड़ के डाल दूँगी, हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पका लूँगी, 4 से 5 विसल लगा लूँगी। तो ये चना दाल मैं थोड़ा सा थिक ही रखती हूँ, नॉर्मल दाल से थोड़ा सा थिक रखती हूँ। तो यहाँ पर पानी डाल के इसे सीटी लगा लेते हैं। तो बहुत दिन से मन हो रहा था कुछ स्पाइसी सा खाया जाए, सिंपल खाना खा खा कर मैं बोर हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा सिंपल ही स्पाइसी डॉक्टर भी मना करती हैं, और उस टाइम वोमिट वगैरह भी काफ़ी होते रहता है, तो उस टाइम मन भी नहीं करता इतना अच्छे से प्रेम से खाना बनाने का, जो बनाना है सिंपल सा जल्दी से बना के किचन से निकलो, तो वैसा कुछ हाल था। तो यहाँ पे आज बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, और आज नॉनवेज भी नहीं खा सकते थे, आज दिन ऐसा था। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो बिल्कुल चिकन जैसे बनाते हैं वैसे स्पाइसी सा मैं पूरा मसालेदार मैं बनाई थी। और यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पे एक टमाटर पीस के डाल दी हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग, और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे एंटी स्कैन जब हो रहा था तो मैं पूछी थी अलाउ है या नहीं, वीडियो ले सकते हैं या नहीं, तो मना कर दी, तो मैं भी कुछ नहीं बोली। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वीडियो नहीं ले पाई, इसलिए आप लोग के साथ भी शेयर। और आज के डेट में भी बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करने पर बेबी पर असर पड़ेगा, बेबी को कुछ हार्म होगा, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेफ रहता है। तो जब भी डॉक्टर बुलाए तो ज़रूर जाइए, और उसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी इस टाइम नहीं लगाना होता, क्योंकि ये सब अल्ट्रासाउंड स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर पता चलता है इस टाइम की बेबी का सब ऑर्गन सही से बन रहा है या नहीं, तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जब भी डॉक्टर बुलाए तो चले जाए बिना सोचे। और यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, तो थोड़ा सा मसाला मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ, चना दाल बनाई थी उसमें तड़का डालने के लिए, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो रहे थे, अलग से प्याज टमाटर भुनना और भी टाइम टेकिंग हो जाता, तो यहाँ पे मैं इसी से मसाला थोड़ा निकाल ली हूँ। और बाकी में यहाँ मैं पनीर ऐड कर दी हूँ, तो रात तक का मैं यहाँ पे सब्जी बना के ही जा रही हूँ हॉस्पिटल, जा रही थी हॉस्पिटल, और बाद में आप लोगों के साथ यहाँ पर अटैच भी कर दी, थोड़ा सा क्लिप मैं ले ली थी तो सोची क्यों ना अटैच कर दी जाए। तो बिल्कुल देखिए चिकन की तरह मैं बना रही हूँ, बहुत टाइम से मन हो रहा था कुछ अच्छा खाने का, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी वोमिट वगैरह होती है, तो उस टाइम कुछ बनाने का भी मन नहीं होता, खाने का भी मन नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा था, तो बहुत टाइम से सोच ही रही थी बनाने का कुछ मज़ेदार सा, तो यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी ही चिकन की तरह अच्छे से बना ली, मसालेदार थोड़ा, और लास्ट में थोड़ा सा मैं एक चिकन मसाला भी डाल दी, थोड़ा सा स्मेल अच्छा आता है, तो उससे थोड़ा फ्लेवर और भी अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है टोटली। तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी हूँ, तो ये मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है, पानी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट में पका ली थी, तो यहाँ पे मज़ेदार सी सब्जी रेडी हो गई, बिल्कुल चिकन की तरह बनी थी। और यहाँ पर एक तरफ दाल भी हो गया है, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल लग रहा है चिकन की तरह बना है। और एक बात आप लोगों से बोलना था, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना लवली कमेंट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारा कमेंट ऐसा आया मेरे लिए भी प्रे करना, जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, जो भी प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं उन्हें कितना इंतज़ार होता है इस पल का, और मेरा भी अभी आगे अच्छे से हो सब चीज़, आप लोग भी दुआ मेरे लिए भी करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ पुलाव, तो यहाँ पर अच्छे से भून ली थी और उसमें पानी डाल दूंगी, और यहाँ पे दाल भी बन गया है, तो यहाँ पे मसाला जो निकाले थे डाल दूंगी, और ऊपर से सिंपल जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा लूंगी, और इसे अच्छे से अभी फ़िलहाल मिक्स कर लेती हूँ, ऊपर से बस तड़का लगाना बाकी है। तो दाल भी हो गया, सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गया है, और इधर पुलाव भी बन रहा था, तो फटाफट से मैं खाना बना ली। और देखिए यहाँ पर चना दाल रेडी हो गया है, तो थिक सा मैं बनाई थी, बहुत ज़्यादा पतला मुझे पसंद नहीं पड़ता है, और हस्बैंड को भी दाल थिक ही अच्छा लगता है, खासकर चना दाल। तो यहाँ पे तड़का ऊपर से लगा ली थी लाल मिर्च और जीरा का, तो ये दाल रेडी हो गया है। Thank you.
तो ये हमारा आज का स्पेशल सा लंच कह सकते हैं, बेबी का हार्ट बीट सुनने की खुशी में, और उसे अच्छे से देखे सब कुछ अच्छा रहा उसकी खुशी में आज स्पेशल सा लंच हम लोगों का। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।